नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं खुशबू आपका सनमार्ग लाइव में स्वागत करती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को धनबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता 70 सालों से ऐसे नेता की राह देख रही थी जो अपने और अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अपना जीवन लगा दे। साथ ही कहा कि देश में एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए, हम कश्मीर से धारा 370 हटा देंगे। बता दें कि वह यहां पशुपति नाथ सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में ना एनडीए की सरकार बनेगी ना ही मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही यह भी कहा कि मोदी सरकार युवाओं और किसानों को ठगने का काम कर रही है। मोदी साहब तो न प्रधानमंत्री बनेंगे और न एनडीए की सरकार बनेगी, नॉन एनडीए नॉन बीजेपी सरकार बनेगी। मैं यही कहूंगा कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि जब जब भी नॉन एनडीए सरकार बनी है तो हमने कभी भी किसी व्यक्ति को विपक्ष का नेता के रूप में पेश नहीं किया है। और जब चुन के आते हैं तो उसके बाद भी जो भी आम राय बनती है उस पर सब चलते हैं। एनडीए और मोदी साहब के न बनने के दो चार कारण हमारे देश की तकरीबन चालीस प्रतिशत आबादी महिलाओं की है, युवकों की है, किसानों और मजदूरों की। और इन चारों के साथ एनडीए की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वयं उनकी तरफ से उनका विश्वासघात हुआ है और उनको धोखा दिया है। चारों ओर निरंतर पूरे 5 साल से इलेक्शन के दौरान 2014 के चारों से वादा किया था माननीय मोदी साहब ने, जो गरीब वर्ग है, मजदूर तबका सबसे गरीब है, बाकी उनका गरीब है, उनसे काला धन से लाने का 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो वो भाई जो अकाउंट खोले हुए हैं 5 साल से और इंतजार कर रहे हैं 5 साल से 15 लाख का वादा, वो भाई किस तरह भाजपा के खिलाफ एनडीए के खिलाफ। किसान वर्ग बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, उनके साथ मोदी साहब ने वादा किया था कि उनके जो लागत है उनके आज पैदा करने के लिए, वो चावल हो, जौ हो, दाल हो, गन्ना हो, सरसों हो, जो भी हो, बंगाल में गहत हुआ और 10 लाख रुपए, 47 में बंटवारा हुआ 36 करोड़ हमारे पास था, चावल नहीं था, क्यों रशिया से मंगाते थे, बाद में अमेरिका से मंगाते और यहां बांट देते थे, अपने लिए भी था, चीनी भी बनाई, आले भी बनाए, चावल वो तो मंगाते ही मंगाते। अमरीका ने कहा कि हम आपको चावल देते हैं और हम जो कहें आप खुद मालूम, इंटरनेशनल इसको वोट दे दो उसको वोट दे दो, तो तब नेहरू ने शुरू कर दिया। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के सिकिदरी घाटी में एक ट्रैक्टर में आग लग गई। घाटी में ट्रैक्टर के अचानक पलटने से ड्राइवर ट्रैक्टर में ही फंस गया और मौके पर ही उसकी जलकर मौत हो गई।
मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को बचाने की काफी कोशिशें की, पर वह नाकामयाब रहे। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव चेक पोस्ट पर गाड़ी चेकिंग के दौरान एक बोलेरो से 11 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। बोलेरो में सवार दो लोग खुद को उड़ीसा के कारोबारी बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो ये रुपए लेकर भुवनेश्वर से रांची आ रहे थे। फिलहाल आयकर और प्रशासनिक अधिकारी उनसे पूछताछ में जुटी हैं। गौरतलब है कि चाईबासा में 12 मई को मतदान होना है, इसको लेकर जिले में वाहनों की चेकिंग लगातार जारी है। वहीं चुनाव को लेकर पैसे के लेन देन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में दो हार्डकोर नक्सली मारे गए। पुलिस को मारे गए नक्सलियों के पास से एक इंसास राइफल और एक 12 बोर की बंदूक भी बरामद हुई है। खास बात यह है कि पहली बार किसी नक्सली मुठभेड़ में महिला कमांडो का दस्ता भी शामिल रहा। मारे गए नक्सलियों में से एक महिला और एक पुरुष नक्सली शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सनमार्ग लाइव। नमस्कार।